हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ड्राई खिचड़ी, यानी कि जो सूखी खिचड़ी सर्दियों में हम बनाते हैं, एकदम खिली खिली खिचड़ी बनाने का तरीका। उसके लिए हमें ज़रूरत होगी ये चावल की। इसको मैंने भिगो लिया है, आप इसको 15-20 मिनट पहले भिगो लें। मैंने यहाँ पर ये जो चाय पीने वाले रेगुलर कप होते हैं, इससे मैंने 1.5 कप चावल यहाँ पर लिए हैं इस कप से। और यहाँ पर कुछ मैंने सब्जियाँ काट ली हैं, ये गोभी, मटर और आलू थोड़ी सी। यहाँ पर ये मैंने प्याज लिया है और थोड़ा अदरक महीन महीन चॉप कर लिया है, और थोड़ा सा लहसुन लिया है। ये हरी मिर्च लिया है, मैं यहाँ लाल मिर्च पाउडर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। ये थोड़ा सा घर का बना मेरा स्ट्रॉन्ग गरम मसाला है। नमक की ज़रूरत पड़ेगी, हल्दी की ज़रूरत पड़ेगी, और ये कुछ तेज पत्ते हैं 2-3। ये दालचीनी के स्टिक्स हैं, 3-4 लौंग हैं। अरे दोस्तों, हमने कुकर में हम इसको बनाएंगे। हमने कुकर में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं मैंने इतना तेल लिया है, ये 2 लोगों के लिए खिचड़ी पर्याप्त रहेगी। आराम से 2-3 लोग खा सकते हैं। तेल इसमें आप ध्यान रखें थोड़ा ज़्यादा ही लें, मैंने इसमें लगभग 3 बड़े चम्मच तेल लिया है। अब देखिए दोस्तों, मेरा तेल गर्म हो गया है। मैं इसमें सबसे पहले लौंग डालूंगी, इसके बाद हम दालचीनी डालेंगे, बस तेज़ पत्ता डालेंगे। तेज़ पत्ता के डालते ही हम ये सारी सब्जियाँ डाल देंगे। हमें तुरंत डाल देना है, प्याज को पकाना नहीं है। हम सारी सब्जियां डाल देंगे तुरंत ही। हम सब कुछ इसके साथ भूनेंगे। आप देख सकते हैं मैं इसको बिल्कुल हाई फ्लेम में भूनूंगी। हमें बहुत अच्छे से इनको भूनना है। ठीक है दोस्तों, हमें चलाते रहना है, गैस को बढ़ा के ही रखना है। हम नमक कुछ भी नहीं डाला, हमने नमक, हल्दी, मिर्च कुछ भी नहीं डाला है। तेल डालकर हम सीधे अपनी सारी कटी हुई प्याज और सब्जियाँ वगैरह सब डाल देंगे। हम इसको हाई फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक, थोड़ा सा जब भुने हुए हमको दिखाई देंगे तब तक हम इसको भूनेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको करीब 5 मिनट हाई फ्लेम में भुना है। मेरी सब्जियाँ अच्छे से भुनी हुई आपको दिख रही होंगी। अब मैं इसमें अपने सारे मसाले डालूँगी, जैसे कि हल्दी, गरम मसाला। ये खिचड़ी या तहरी थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही अच्छी लगती है, इसलिए अगर आप स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद करते हैं नमक, तो आप गरम मसाला डालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। आप इसको अच्छे से मिला लें। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अब हम इसमें अपने चावल डाल देंगे। चावल डालकर अब हम इसको मिलाएंगे और मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए चावल के साथ रोस्ट करेंगे इन सारी सब्जियों को। आइए दोस्तों, मैं अब आपको इसमें पानी का मेजरमेंट बताती हूँ। मैंने जिस कप से 1.5 कप चावल लिए थे, उसी कप से नाप कर मैं पानी लूँगी। ये देखिए 1 कप हो गया। दो कप, आधा कप मैं और लूँगी। बस हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि हम तेल भी इसमें ज़्यादा रखते हैं, इसलिए खिली खिली अगर पानी आप ज़्यादा डाल देंगे तो फिर आपकी तहरी खिली खिली नहीं बनेगी। और हमारी सब्जियां 70% के आसपास पहले ही पक चुकी हैं। देखिए कितना सुंदर कलर है। अब हम इसमें ये अपना 2.5 कप पानी मैंने लिया, इसको डाल दिया है। आप देख सकते हैं इस लेवल से पानी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर आपके चावल बहुत पुराने हैं तो आप इसमें 1/2 कप पानी और डाल दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। इस स्टेज पर हम नमक टेस्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, आपकी खिचड़ी पूरी तरह से कवर होना हो जानी चाहिए पानी से। अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए मैंने ढक्कन लगा दिया है, और अब हम इसको 3 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी तहरी बनकर तैयार है। मैंने इसको बंद करने के बाद में कम से कम 15 मिनट रखा है। अब देखिए आप ये कितनी अलग अलग बनी है बिल्कुल। अगर आप भी इसी तरह से बनाएंगे तो सेम आपके यहाँ भी बनेगी। अब हम इसको प्लेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं प्लेट में, ये देखिए दोस्तों, हमारी तहरी बनकर तैयार है बिल्कुल। कितना बढ़िया क्रिस्पी है। हम इसमें घी डालकर, या आप चाहें तो इसमें हरी धनिया भी डाल सकते हैं गार्निश करने के लिए। यहाँ हमारी तहरी बिल्कुल बनकर तैयार है। थैंक यू।